हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। ये देखिए, हमने अंकुरित मूंग ली है आधा कप, और दो मैंने लहसुन की कलियां ली है, 1 इंच अदरक लिया है और 1 हरी मिर्च ली है। और अंकुरित मूंग मैं आपको दिखाऊं, बहुत अच्छे से देखिए अंकुरित हो रखी है, बहुत ही अच्छे से। और ये लिया है हमने 1 कप आटा, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच अजवाइन, नमक स्वाद के अनुसार, आधा चम्मच जीरा, 2 पिंच हींग। तो सबसे पहले हम ना मूंग को दरदरा पीस लेंगे मिक्सी में। और ये देखिए, हमने ऐसे इसको पीस लिया है दरदरा। अब हम इसको आटे में मिलाएंगे। ये देखिए, तो पहले हम ये देखिए, हमने ऐसे इसको पीसा है, बिना पानी के आपको चलाना है, और बिल्कुल एक ही बार चलाना है, हल्का सा, उसी से इतना हो जाएगा, है ना। अब हम सबसे पहले ना इन सब चीजों को हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे, बहुत ही अच्छे से। फिर जितना पानी डालने की जरूरत होगी हम डालेंगे। अब मैं इसमें ना ऊपर से 1 कटा प्याज और डालूंगी। अब मैंने इसमें 1 कटा प्याज डाल दिया है, और ये 2 टेबलस्पून के करीब मैंने अंकुरित भी डाल दिए हैं। कुछ को मैंने क्रश कर लिया, कुछ मैंने इनमें ऐसे साबुत मिक्स कर लिया है, ठीक है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और आटे का एक सॉफ्ट डो लगा लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालने के बाद सॉफ्ट डो इसका लगाएंगे, और देखिए बहुत पौष्टिक पराठा है। हम रोज सोचते हैं कि क्या बनाएं क्या बनाएं, हमारे किचन में इतना सामान है कि हम कुछ भी चेंज करके बना सकते हैं। एक दिन अंकुरित सैलेड खा लिया आपने, एक दिन आपने पराठे में डाल के खा लिया, तो आप चेंज जो है ना वो हमेशा अच्छा होता है। तो आपको मैं ये आटा लगाने के बाद मिलती हूँ। आटा हमने लगा लिया है। अब केवल बस देखिए, आधा चम्मच ऑयल हम इसके ऊपर लगा के इसको ढक के रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। आटा हमेशा 10 से 15 मिनट ना रख देना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं हम आटा। अब हम इसको थोड़ा सा ऐसे चिकना कर लेंगे, क्योंकि हमने आधा चम्मच ऑयल डाला था ना। अब हम इसमें से आटे की लोई तोड़ेंगे। जितना बड़ा हमें पराठा बनाना है ना, उतनी बड़ी हम इसकी लोई लेंगे, ठीक है। और सूखे आटे में डस्ट करेंगे और इसको बेलेंगे। हल्का सा इसमें घी भी लगाएंगे हम, ये चॉइस है। अगर आप फुल्का बना रहे हैं तो आप सीधा ऐसे ही बना सकते हैं, बट हल्का सा हम लगाएंगे इसके अंदर घी। इससे ना एक तो चारों तरफ के जो किनारे फटे फटे नजर आते हैं ना जब आप कुछ सब्जी डालते हैं, तो वो भी कुछ हद तक ठीक हो जाते हैं, ठीक है, स्मूथ हो जाते हैं। और फिर पराठे के अंदर भी ऐसे घी लग जाता है तो टेस्टी बनता है। ऐसे करके हम इसकी लोई बना लेंगे, क्योंकि हमने कुछ साबुत मूंग भी डाली है, तो थोड़ा सा ये शेप में ऐसा बनेगा, बट खाने में बहुत अच्छा हुआ है और पौष्टिक है। इस तरह से हम इसको बेल लेंगे पराठे को। ये देखिए कितने अच्छे से इसमें मूंग नजर आ रही है। जो लोग पराठे खाते हैं, उनका पराठे के बिना ब्रेकफास्ट नहीं होता है, तो मुझे लगता है ये हेल्दी ऑप्शन है। कम ज्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तवा गर्म हो गया है, उसके ऊपर हम ये पराठा डाल देते हैं और पराठे के सिकने की इंतजार करते हैं। तब तक हम एक पराठा और बेल लेते हैं, पराठा चेक कर लेते हैं। और ये देखिए अच्छे से सिक गया है। मंदी आंच पे हम इसको सेकेंगे, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। अब हम इस साइड आप घी लगाना चाहते हैं तो घी लगा लें, मैं घी लगा रही हूँ यहाँ पे, ये गाय का घी है। और ऑयल में आप सेकना चाहते हैं ऑयल में सेक लें, इसको रोटी की तरह सेकना चाहते हैं तो रोटी की तरह सेक लें, हर तरह से ये बहुत अच्छा है, ठीक है। कम ज्यादा घी ऑयल आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इधर से भी हल्का सा ब्राउन हो गया है, और धीमी आंच पे सेकने से ना ये सब अंदर से गल जाएगा, इसके दालें और ये, तो ऐसे आपको कच्चा कच्चा नहीं लगेगा। ये देखिए क्रिस्पी पराठा। ये देखिए कितना बढ़िया ये क्रिस्पी पराठा सिका है ना, बढ़िया। तो जला नहीं है, आप देखिए क्रिस्पी है।
दबाकर हम इसको सेक लेंगे। दूसरा पराठा भी हम डाल देंगे। जब हम पराठे घी में बनाते हैं ना तो धुआं निकलता है चारों तरफ, तो ऐसा नहीं है कि जल गया बस, वो आप स्लो फ्लेम पर भी घी लगाएंगे तो उसका धुआं उठता है। दूसरी तरफ से पराठे को पलट लेंगे, ये देखिए, तो बहुत अच्छे से पराठे जो हैं वो सिक रहे हैं। हल्का हल्का घी लगाकर हम इसको सेक लेंगे। देखिए जब तक आप बताएंगे नहीं ना कि आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है, तब तक मुझे फिर हौसला नहीं मिलेगा कि मैं बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी आपके लिए लिखे आऊँ। आप लिखते हैं कुछ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एटलीस्ट आपको ये पसंद आया है ना, तो आप ज़रूर ज़रूर अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर सर्कुलेट करिए, शेयर करिए। तो करते हैं हम इन यमी से पराठे की प्लेटिंग। और ये देखिए हमारे यमी से पराठे, घर की पिसी हरी चटनी हो, घर का निकला मक्खन हो, कोई भी आप अचार हो, साथ में हरी मिर्च हो, वाओ क्या कहने, ये पराठे बहुत बहुत बढ़िया बनते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपीज़।